पानीपत के गांव नारायणा के पास नहर किनारे सेल्फी लेते युवक का पैर फिसल गया, जिसे बचाने आए पास खड़े फुफेरे भाई ने हाथ बढ़ाया तो वो भी नदी में बह गया। लेकिन स्थानीय लोगों ने फुफेरे भाई को बाहर निकाल लिया। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण 17 वर्षीय युवक नदी में बह गया। फुफेरे भाई को लोगों ने सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं परिजनों ने लापता युवक की नहर में तलाश शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव असारा निवासी रिजवान ने बताया कि एक महीने पहले वो बागपत के गांव बड़का निवासी अपने ममेरे भाई साहिल के साथ गांव नारायणा में मेहनत मजदूरी करने के लिए आया था। बुधवार को शाम 5 बजे ममेरे भाई साहिल ने नारायणा के पास नहर किनारे फोटो खींचने की जिद की, जिसके बाद वो दोनों नहर पर गए। इसी बीच साहिल नहर किनारे नीचे उतर गया और सेल्फी लेते समय साहिल का पैर फिसल गया। इस दौरान साहिल ने बचाव की आवाज लगाई, जिसके बाद वो दौड़कर भाई के पास पहुंचा और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वो भी नहर में जा गिरा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसे देख लिया और दौड़कर उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से साहिल नहर में बह गया। रिजवान ने बताया कि साहिल 3 बहनों का सबसे बड़ा भाई था। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। मतलब आज अभी हाँ सुबह कल पता लगा था मम्मी का। कितने साल का था? अच्छा हो गई, कम से कम 18-19 साल का लगा। ऐसे कैसे गिर गया? दो बंदे थे नारे थे नहीं बैठे हुए हैं, घूमना आ रहे थे। अच्छा लट गए दोनों, उन बंदे दोनों गिर गए। दोनों गिर गए? हाँ दोनों गिर गए, गाँव वाले ने बचाए। फिर उन्हें एक बचा लिया, एक बच गया, एक रह गया। कौन सा रह गया, क्या नाम था? साहिल। कौन से गांव का था? हिलवाड़ी। एक लड़का हिलवाड़ी से शाहिन नाम का, शनोब फरमान, यहाँ मजदूरी करने आ रहे थे, बेलदारी करते थे वे लड़के। कौन से गांव में? नरेणा में। अच्छा बेलदारी करते थे और यहाँ पे एक छुट्टी कर गए नहर पे घूमने आ गए। और घूमने के मतलब जो है कि खुशी में, जैसे कि बच्चों को आजकल के लड़कों को ऐसी तहजीब रहती है, यहाँ नहर पर घूमने लगे। यहाँ नहर पर शलोफ है, शलोफ पे से रपट के दो लड़के डूबे। दो लड़के जब डूबने लगे तो एक लड़के को तो गांव वालों ने बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों का। और एक लड़का भी नहर में गायब है। हम गोताखोरों की टीम आई है। फिर लड़के आ रहे थे तो यहाँ पर घूम रहे थे, पता नहीं कैसे हुआ मुझे तो।